लोक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? जी सर, सर मैं समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखना चाहती हूँ, मैंने हमेशा यही सोचा है और देखा है, तो इसलिए मैं सर आना चाहती हूँ। अभी जो है जैसे चुनाव चल रहे हैं, जी सर, तो चुनाव में किस उम्र का व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है? सर 18 उम्र से अधिक व्यक्ति। 18 वर्ष का कब? सर 61 संविधान से। चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे भारत में? 7 चरण। 7 मध्य प्रदेश में? 4 सर। हाँ तो डॉक्टर जी सर कौन? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सचकर है कि किस करें? सर मुझे इसके बारे में जानकारी। May I come in, sir? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. जी सर। Please बैठिए। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकांक्षा आरक है। आकांक्षा, आपने आपकी नाम के स्पेलिंग में डबल ए और जो है डबल एच लगाया, ऐसी कोई खास वजह? नहीं सर, 10th क्लास में ही था तो वही चल रहा है सर। तो ये मतलब स्पेलिंग आपने डिसाइड की, आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया, आपके टीचर ने बाय मिस्टेक कर दी? सर टीचर्स के द्वारा हुई। टीचर्स के द्वारा हो गई, फिर तब से यही चल रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, आपने 10th जो है वो इटारसी से पढ़ी है? जी सर। 12th छतरपुर से किया है, ऐसा क्यों? सर मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में है, ट्रांसफर की वजह से सर काफी जगह। ठीक है। आकांक्षा मुझे बताइए कि आप जो है लोक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? जी सर, सर मैं समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती हूँ सर, जो भी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखना चाहती हूँ, मैंने हमेशा यही सोचा है और देखा है, तो इसलिए मैं सर आना चाहती हूँ। तो आप समाज के लिए भला तो समाज में रह कर भी कर सकती हैं, उसके लिए लोक सेवा में तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? सर समाज में रह के कर सकते हैं, पर एक सिविल सेवा में आने से सर काफी अधिकार मिल जाते हैं और दायित्व भी उस लेवल पे मिल जाते हैं सर कि बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं सर। ठीक है जी सर। आप जो हैं भूगोल की विद्यार्थी हैं, इतिहास समाजशास्त्र भी आपका विषय रहा है जी सर। ठीक है, मुझे बताइए कि क्या होता अगर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा जाती, तो मध्य प्रदेश के भूगोल या जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जी सर, सर विषुवत रेखा आने से सर सूर्य की किरणें लंबवत होती और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता, जिसकी वजह से सर वर्षा भी अधिक होती और जिसका प्रभाव सर फसल में भी पड़ता और यहाँ की जलवायु में भी पड़ता सर। क्या क्या प्रभाव पड़ते? सर उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती, जो यहाँ पे सूखे की समस्या भी हो रही है, जैसे बुंदेलखंड में सूखे की समस्या है सर, तो वो नहीं होती। कौन से वन पाए जाते? सर मध्य प्रदेश में अगर मान लो विषुवत रेखा होती तो कौन किस तरह के वन होते फिर? जी सर, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं किया था? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो चाहते ही नहीं थे कि स्वतंत्रता ना मिले? सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चाहते थे, तो फिर कांग्रेस के मूवमेंट का समर्थन क्यों नहीं किया उन्होंने? सर उनकी कुछ विचारधारा हो सकती है उसके आधार पे, पर मुझे उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। आप अनुसूचित जनजाति से आती हैं? सर मैं आरक जनजाति से आती हूं। आरक जनजाति। हाँ, मतलब अनुसूचित जनजाति में है जी सर। ठीक है, मुझे बताइए भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाए गए हैं? जी सर, सर पहला तो ये है कि अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 342 में डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको चिन्हित किया जाएगा। फिर उसके बाद सर संविधान में आर्टिकल 15(3) में 16(4) और उसके बाद 29 15(3) में तो कोई प्रावधान नहीं है सर, एजुकेशन के लिए सर दिया गया है। 15(3) में तो केवल महिलाओं के लिए, मैंने उसे जनजाति के लिए पूछा है सर। 15(4) में भी है सर। 15(4) और इसके अलावा सर 29 और 30 में सर, और 16 में, 16 में भी सर दिया गया आरक्षण का प्रावधान 16(4) में। अनुसूचित जनजाति आयोग जी सर किस अनुच्छेद में? 338 में सर।
श्योर हैं? 338 ए में सर। 338 वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर नहीं पता, नहीं पता। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ रेखा जी हैं, श्रीमती रेखा जी, पूरा नाम नहीं बता पा रही। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। आपके पिताजी का नाम है अनिल जी सर। अनिल का क्या मतलब होता सर? वायु। और अनिल का मतलब क्या होता सर? जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ आग होता है अनिल का मतलब। अग्नि जी सर। पक्का जी सर। आप इतिहास की विद्यार्थी हैं जी सर। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? सर 1909 में सर। क्या था इसकी कुछ विशेषता? सर ये निर्वाचन से संबंधित था शायद सर, मुस्लिम सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, पर निर्वाचन से था, उसमें कम्युनिटी को निर्वाचन के लिए अधिकार सर दिए गए थे। और जेम्स फोर्ड मिशन कब आया था? नहीं। सर 1919 में। 1919 में जी सर। नेहरू लियाकत पैक्ट कब हुआ था? नेहरू सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर रही। कोई बात नहीं। अभी आपने बताया कि आपके पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम जी सर, तो क्या पोस्ट ऑफिस बैंक है? हाँ सर बैंक की तरह ही कार्य करते हैं। है कि नहीं है? जी सर है। है जी सर। बैंक कौन होता है उसकी परिभाषा क्या है? जी सर बैंक सर वाणिज्यिक बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जो जमा को स्वीकार करते हैं और ऋण के प्रदाता होते हैं, साख का सृजन करते हैं। ये बताएं पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता? सर पोस्ट ऑफिस के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था, ये लघु बैंक की तरह कार्य करेगा, इतना ही सर मैं बता पा रही हूँ। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता पोस्ट ऑफिस में? कोर बैंक CBS। सॉरी सर नहीं जानते। जी सर। अभी जो है जैसे चुनाव चल रहे हैं जी सर, तो चुनाव में किस उम्र का व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है? सर 18 उम्र से अधिक व्यक्ति। 18 वर्ष का कब हो? सर 61 संविधान संशोधन। नहीं नहीं 18 वर्ष का किस डेट पर? किस डेट पर 18 वर्ष का हो? सर जब वो मतगणना, सर वो मतगणना होती है। मतगणना के दिन 18 वर्ष का? नहीं सर सॉरी सर, जब नामांकन भरे जाते हैं उस टाइम पे, पर मैं मुझे क्लियर नहीं है सर। जी सर। थैंक यू सर। आकांक्षा जी सर, क्या पर्यायवाची होंगी आकांक्षा के? सर आकांक्षा की पर्यायवाची इच्छा, वांछा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है? जी सर, अपेक्षा का मतलब ये है कि किसी के द्वारा किसी से उम्मीदें की जाती हैं तो उसकी पूर्ति के लिए और उसको सराहना भी किया जाता है, और उपेक्षा का मतलब ये कि किसी व्यक्ति को उसका निरादर करना। निरादर करना नहीं सर, पूर्णता कहेंगे अपेक्षा। चलिए जी सर। UNO अभी चर्चाओं में चल रहा है फिलिस्तीन को लेकर। जी सर। क्या चर्चा है? सॉरी सर मुझे सदस्यता से संबंधित कोई चर्चा? सर मैं करंट अफेयर पढ़ती हूं सर, पर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। करंट अफेयर पढ़ती हैं जी सर। क्या-क्या करंट अफेयर चल रहा है अभी देश विदेश में? जी सर। सर अभी तो सबसे बड़ा वो चुनाव, फिर उसके बाद सर अभी दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी का मुद्दा चल रहा है, शराब नीति सर, उनको अंतरिम रिहाई थी। उसके बाद सर अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में बुजुर्गों की स्थिति पहले के मुकाबले अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, और लद्दाख का मुद्दा। अच्छा लद्दाख का क्या मुद्दा है? जी सर। क्या डिमांड है लद्दाख के लोगों की? सर पूर्ण राज्य की। पूर्ण राज्य और सर उनको अनुसूची, छठवीं अनुसूची में शामिल। जी सर। और सर एक ही बात है मतलब? जी सर मैं इतना ही बता पा रही हूं। जी सर। केवल स्कैन करते हैं करते हैं या पढ़ते भी? सर मैं दैनिक भास्कर रोज पढ़ती हूं। जी सर। ललित बार फुकन कौन? जी सर ललित बार फुकन। सॉरी सर। चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे भारत में? 7 चरणों में। 7 मध्य प्रदेश में? 4 सर। पहली बार जब चुनाव हुए थे तो कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ था भारत में पहली बार जब चुनाव? जी सर
भारत में पहली बार कब हुए थे भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव? सर 1952 में। 1952 जी सर। कितनी सीटों पर? वर्तमान में कितनी सीटों पर है? 543 सर। 543 जी सर। अच्छा, दो एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन का मुद्दा था जी सर, उसे किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया? सॉरी सर, मैंने पढ़ा है पर मैं अभी नहीं बता। पहली बार चुनाव हुए थे, सरकार किसकी बनी थी, किस पार्टी को बहुमत मिला? सर कांग्रेस। कांग्रेस जी सर। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी। वर्तमान में किस सरकार, किस पार्टी की सरकार है? सर बीजेपी की। आने वाले समय में किसकी होगी? सर ये तो बताना मुश्किल है सर। क्या? सर जब तक जनगणना नहीं, वो सॉरी, जब तक वो नहीं हो जाते हैं, सामने नहीं आ जाते हैं चुनाव के परिणाम, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कब आएंगे चुनाव के परिणाम? हाँ सर 4 जून को। फिर भी आपको क्या लगता है रुझान देखकर? सॉरी सर, इस बारे में, इस बारे में कोई जानकारी नहीं सर, क्योंकि अब लोकतंत्र देश है सर, तो सबके अपने अपने व्यवहार होते हैं। अच्छा, पन्ना बड़ी चर्चाओं में किसी नेशनल हाईवे को लेकर, क्या चर्चा है सर? नेशनल हाईवे जी सर। कितने हैं? सर टोटल 7 हैं। कौन कौन से? सर माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर प्रोजेक्ट में। सॉरी सर, कूनो पालकुन ये वाला है। कूनो पालकुन है? हाँ सर। श्योर है आप? हाँ सर। और मंडला है, पेंच भी है सर। मंडला नेशनल पार्क है भी? हाँ सर। की काना किसमें? काना सर, सॉरी काना। और पेंच सर मैं अभी इतना ही बता पा रही हूँ। नेशनल पार्क के बारे में एक बार देख लीजिए। जी सर। थैंक यू सर। वर्तमान में मतदाता की आयु कितनी है? सर 18 वर्ष। 18 वर्ष जी सर। 21 वर्ष किस वर्ष में थी संविधान संशोधन? किस वर्ष में? सर 69 जी सर। SCST Act जी सर में अधिकतम सजा का कितना प्रावधान? सर जहां तक मुझे याद है 3 साल। 3 साल अधिकतम? सॉरी सर। पढ़ा है आपने एक्ट लिए? यस सर पढ़ा है। सुना भी होगा? जी सर। कब आए थे? 1989 सर। 1989 जी सर। कितनी धाराएं हैं इसमें? अच्छा, डेबर आयोग कब आया था? डेबर आयोग मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? जी सर, बैगा, भारिया, सहरिया। अच्छा, इन जनजातियों में हम देखते हैं बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। जी सर। सुना आपने? जी सर। इसकी इमरजेंसी मेडिसिन लॉन्च की गई है? जी सर। कौन सी मेडिसिन है? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। लास्ट मुझे बता दीजिए। जी सर। भारत के रॉबिन हुड कौन है और नेपाल के रॉबिन हुड? सर भारत के रॉबिन हुड टंट्या भील जी हैं और नेपाल के रॉबिन हुड भीमा नायक। भीम? सर भीमा नायक जी। भीमा नायक श्योर है? नहीं सर। चलिए थैंक यू सर। सर रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है? एक कैरेक्टर है सच में था कोई रॉबिन हुड? जी सर। कौन? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सच में था फिक्टिशियस कैरेक्टर है? सर मुझे इसके बारे में जानकारी। अच्छा, एनडीए क्या है? सॉरी सर, प्री पोल अलायंस समझती? क्या होता है प्री पोल अलायंस? नहीं सर। कोलिशन गवर्नमेंट? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, वैजयंती माला ये कौन है? चर्चा में क्यों है वैजयंती माला? सर नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्यांगना। एक्टर क्यों? एक्ट्रेस? जी सर। क्यों चर्चा में है? सॉरी सर। अल जजीरा का नाम सुना? अल जजीरा ये क्या है? नहीं सर। अच्छा, वोट हो गए आपके इधर? जी सर। जी सर। ये आपने वोट? जी सर। मुझे एक बात बताइए, एक मदर है 5 साल का उनका बच्चा है। जी सर। जब वोट डालने जाती है तो उसको ले जा सकती है 5 साल के बच्चे को अपने साथ? नहीं सर। नहीं ले जा सकती? नहीं सर। कितनी उम्र तक के बच्चे को ले जा सर? स्तनपान कराने वाले बच्चों तक को ले जाया जा सकता है, तो उस अधिकतर उम्र हो सकती है सर 3 साल 2.5 साल। जी सर। मदर्स डे कब मनाते हैं? सॉरी सर, अभी मनाया गया था पर मनाया गया था। सॉरी सर, मनाया जाने वाला? जी सर, सर याद नहीं, अप्रैल में। अच्छा मुझे बताइए, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? हां, जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी?
सर 15 महीना। आकांक्षा जी सर, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जिसके कारण हम आपको चयनित करें? जी सर, पीएससी की जो भी हर्ताएं हैं मैं उनको पास करके सर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मेरे अंदर एक सकारात्मक सोच है कि मैं किसी भी स्थिति में सर सकारात्मक रहती हूँ, और मेरे अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, और मैं ईमानदारी से भी किसी भी कार्य को करती हूँ। जैसे कि मैंने सर इतने सालों में अपनी पीएससी के डेडिकेशन से सर यहाँ तक आके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो सर मुझे लगता है मेरा चयन किया। मान लो आपका चयन नहीं होता है जी सर, तो क्या करेंगी आप? सर मैं प्रयास करूंगी। मान लो 2-4-5 प्रयास में भी नहीं होता है, आपकी उम्र भी मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि 29 हो चुकी है, ठीक है, एक आप पर सामाजिक उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर होंगे, फिर क्या करेंगी आप? सर जैसे कि मैं पिछले 6-7 सालों से एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं सर हार तो नहीं मान सकती हूँ, लास्ट तक सर खड़ी रहूंगी। मतलब 45 साल की उम्र तक देती रहेंगी? सर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि मेरा इसी बार हो जाएगा। चलिए ठीक है आकांक्षा जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।